पुलवामा अटैक 2019 की शुरुआत का एक ऐसा भयानक हादसा था जिससे सारा देश दहल गया था। और वो दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन था जब एक एक भारतवासी की आंखें नम थी। और इस दिन को भारत के इतिहास में ब्लैक डे घोषित कर दिया गया था। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दास्तान जुर्म। दोस्तों, इस जुर्म की दास्तान को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। पहली बात, ये तस्वीर अफजल गुरु नामक एक बहुत ही नामी आतंकवादी की है जिसे 9 फरवरी 2013 में भारत सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। और दूसरी बात, कश्मीर में एक पाकिस्तानी बेस्ड मुजाहिदीन ग्रुप एक्टिव है जिसे जैश मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे मौलाना मसूद अजहर ने साल 2000 में बनाया था। इस ग्रुप का प्राइमरी मोटिव कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिलाना है और जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ के लोकल्स का ब्रेन वॉश करके अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करती रहती है। और इन्हीं में से एक अफजल गुरु भी था। आइए अब आगे बढ़ते हैं पुलवामा अटैक की इनसाइड स्टोरी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है फरवरी 2018 से, जब कहानी का मुख्य किरदार 12th क्लास में पढ़ने वाला आदिल अहमद डार आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, जो कि पुलवामा जिले के लेथीपुरा गांव का निवासी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले इंडियन आर्मी के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट वहाँ के लोकल सिविलियंस द्वारा किए जाते थे। इन्हीं में से किसी एक प्रोटेस्ट में आदिल अहमद भी भाग लेता है और उस दौरान प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा डमी फायरिंग की जाती है, जिसकी गोली आदिल के पैर में लगती है और वो घायल हो जाता है। और इस हादसे के बाद उसके दिल में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ पनपती है एक नफरत, एक ऐसी नफरत जो उसे बर्बाद कर देती है। इस हादसे के बाद आदिल अहमद बदला लेने के लिए जैश मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर भारतीय सुरक्षा बल के खिलाफ उसकी ट्रेनिंग होती है। और इसके साथ ही साथ जिहाद करने के बाद जन्नत में 72 हुरों की बातें करके उसका ब्रेन वॉश भी किया जाता है। इन्हीं सब में एक साल बीत जाता है और एक साल बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा से 250 किलोमीटर दूर CRPF के जम्मू ट्रांजिट कैंप से कुछ कॉन्वॉयज श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए निकलती है। इस 250 किलोमीटर के सफ़र को CRPF की कॉन्वॉय बस जम्मू श्रीनगर हाईवे से तय कर रही थी, जिसे नेशनल हाईवे 44 भी कहा जाता है। और जम्मू कैंप से निकलकर उधमपुर के रास्ते से कुलगाम और अनंतनाग होते हुए ये बस पुलवामा ज़िले में दाखिल होती है। यहाँ से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पहुँचने के लिए अब केवल 40 किलोमीटर का सफ़र ही कॉन्वॉयस को तय करना था। जैसे ही ये कॉन्वॉय पुलवामा में दाखिल होती है, आदिल अहमद डार को इसकी सूचना मिलती है और वो एक SUV गाड़ी में 300 किलो के लगभग RDX और अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक एक्सप्लोजिव्स लेकर निकल पड़ता है। और कॉन्वॉयस के पास पहुंचते ही वो अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर लेता है और उनमें से 5वें नंबर की कॉन्वॉय में जाकर टक्कर मारता है और इसके साथ ही साथ रिमोट बटन को दबाकर एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट कर देता है। और ये ब्लास्ट एक ऐसा ब्लास्ट था जिसकी गूंज 10 किलोमीटर तक सबने सुनी थी। यहाँ तक कि इस धमाके से आसपास के घरों की खिड़कियाँ तक टूट गई थीं, तो आप खुद से समझ सकते हैं कि ये ब्लास्ट किस तरह का हुआ होगा। दोस्तों, इस धमाके में CRPF के 39 पैराट्रूपर्स शहीद हो जाते हैं और इसके साथ ही पास में ही रोड ओपनिंग पार्टी का एक सोल्जर भी मौजूद था जो इस धमाके में शहीद हो गया। जिस बस में धमाका हुआ उसके आगे पीछे की बस यानी कि चौथी और छठी बस में मौजूद 70 जवान घायल हुए थे। दोस्तों, आप खुद से समझ सकते हैं कि इस तरह के जानलेवा धमाके में जब कॉफिन्स में जवानों की लाशें सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाई गई थी, तब उन कॉफिन्स में क्या ही रहा होगा। अब बात आती है कि इतना सारा विस्फोटक आखिर ऐसी कड़ी निगरानी वाली जगह आया कैसे। तो इसका जवाब ये है कि इस ब्लास्ट की तैयारी 6 महीने पहले से ही की जा रही थी और ये एक्सप्लोजिव्स सितंबर 2018 से ही थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से पुलवामा में भेजा जा रहा था। इंटेलिजेंस टीम के अनुसार ये धमाका 9 फरवरी को होने वाला था, क्योंकि इसी दिन भारत सरकार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दी थी। मगर उसकी फांसी का दिन होने की वजह से 9 फरवरी 2019 को हर जगह सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी, इसीलिए ये ब्लास्ट उस दिन नहीं किया गया। और इसके साथ ही साथ एक वजह ये भी थी
कि भारी बर्फबारी होने की वजह से रास्ते बिल्कुल बंद हो गए थे और इसकी वजह से कॉन्वॉय मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। रास्ते एकदम खाली थे तो ब्लास्ट करते किस पर। इन सब मामले में कुछ गलती इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की भी थी और कुछ गलती सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की भी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैश ए मोहम्मद आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के लोकल सिविलियंस को अपने झांसे में फंसाते हैं और आदिल अहमद डार भी वहां का एक लोकल सिविलियन था। और ये बात ध्यान देने वाली है कि आखिर ये आतंकवादी संगठन क्यों वहां के नौजवान लड़कों का ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो जाती है और आखिर कब तक हमारे जवान सरहद की लड़ाई की वजह से इसी तरह शहीद होते रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पुलवामा में शहीद हुए सभी CRPF जवानों को आज 14 फरवरी ब्लैक डे के दिन हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार की खुशी की कामना करते हैं। जय हिंद।